Krishna Krishna Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय हरे कृष्णा। तो सभी लोग अब इस तरफ फेस करके बैठ सकते हैं व्यासासन की तरफ। महाराज अभी क्लास लेंगे पहले, तो सभी लोग इस तरफ फेस करके बैठ सकते हैं। डिवोटीज आगे की तरफ आ सकते हैं, महाराज पहले क्लास लेंगे। हरे कृष्णा। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव बोलिए, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, शिल प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, शिव प्रभुपाद की, हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज की, वैष्णव ठाकुर की, निताई निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय प्रभु जी और माता जी, वो अद्भुत घड़ी आ गई है। हम लोग बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज यहाँ पर आएंगे। तो जैसे कि आप में से कुछ भक्तों ने दर्शन किया होगा पहले महाराज का डायरेक्टली, परंतु ऑनलाइन आई एम श्योर यूट्यूब पे सबने महाराज का दर्शन किया है, उनसे श्रवण किया है उनका हरिनाम। तो महाराज के दर्शन, कहते हैं दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, और महाराज का तो एग्जैक्टली अप्लाई करता है। महाराज के दर्शन करते ही हमें जितनी कुंठाएं हो, व्याकुलताएं हो, सब एक क्षण में दूर भाग जाती है। यस यस, महाराज का जो ट्रांसेंडेंटल स्माइल है वो देखते ही हमें गोलोक वृंदावन धाम में सीधा पहुंच जाते हैं महाराज के चरण कमलों के अनुगमन करते करते। तो वी आर एक्सट्रीमली 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 ग्रेटफुल महाराज फॉर काइंडली कमिंग एंड ब्लेसिंग अस फॉलन सोल्स हियर। वी आर हम्बल लिटिल कम्युनिटी हियर, बट वी फील सो ब्लेस्ड एंड सो प्योरिफाइड बाय योर ऑस्पिशियस एंड मोस्ट अमेजिंग प्रेजेंस। महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, और आप सबको पता है आप में से कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, सब करते हैं। तो जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उनको ऐसे कैसे हो कि परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज से उन्होंने श्रवण ना किया हो, क्योंकि जितने भी कितने सारे हरिनाम पे सेमिनार्स हैं वो महाराज लेते हैं और बहुत डीप हरिनाम के बारे में बताते हैं, ताकि हम लोग, महाराज ने एक, महाराज का एक एनेक्डोट भी है, महाराज ने बताया था, प्रभुपाद ने महाराज को बोला आई केम टू गिव ओनली दिस होली नेम। तो महाराज यहाँ पर आए हैं तो महाराज का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे, और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप इसे कौन कौन मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं, तो हमें मंदिर में काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स की आवश्यकता है, तो जिसका भी मोबाइल फ़ोन रिंग करेगा हम ले लेंगे उसको, ठीक है। तो या तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, जिसका भी मोबाइल फ़ोन रिंग करेगा हम उसको डोनेशन में एक्सेप्ट कर लेंगे और मंदिर में सेवा में यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दीजिए। जिन माताओं के पास बच्चे हैं
ये बच्चे सामने किसके हैं, ये दोनों बच्चे बैठे हैं किसके हैं, माताजी कौन है, ये बच्चों की माताजी कौन है? माताजी बच्चों के साथ बैठी है, बच्चों को पीछे ले लीजिए। जो भी माताएं आई हैं बच्चों को प्लीज अपने साथ रखिए, बच्चों को शांत करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? तो प्लीज हार्दिक हम पूरा लाभ उठाएं महाराज के अद्भुत संघ का। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। यस डू यू ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस Good. Hare Krishna. Very happy to see you. Bahut Anant. Darshan. Very bad devotees. Hey. Please say with me. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavali Paskatyade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasadi Gobhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I would like to invite all of us now to chant for some time the Hare Krishna mantra as if we are chanting it for the first time. तो हम आप सबको स्वागत करना चाहेंगे, निमंत्रण देना चाहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र में, और इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उस तरह से करेंगे जैसे कि हम पहली बार जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले हैं। When we chant, it is very important that not only our lips are chanting, but also our heart and our mind. तो जब हम हरिनाम का जप या कीर्तन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे होठों से आवाज निकल रही है, होठ बोल रहे हैं, परंतु हमारे हृदय और मन से वो दिव्य वाणी आनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद वाज गिविंग द एनालॉजी दैट वी शुड चांट लाइक अ चाइल्ड हु सिंसियरली क्राइज फॉर हिज मदर।
श्रील प्रभुपाद एक उपमा देते हैं कि हमें हरिनाम इस तरह से करना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा है अपनी माँ को रोकर पुकारता है. Those of you who are mothers and also fathers have seen, sometimes the child is busy playing, it may say mama, mama, but it really does not mean to call for his mother. It's just by the lips it says, but not by the heart and not by the mind. The child is busy and is well taken care of. It really doesn't need the mother. तो आप में से जिनको भी माता और पिता होने की अनुभूति है तो आपको इस बात का साक्षात्कार अनुभव होगा कि कई बार बच्चा है वो बोलता है मम्मा मम्मा करके बोलता है परंतु वास्तव में मम्मा को पुकार नहीं रहा होता. वो केवल होठों से बुला रहा होता है पर वास्तव में उस टाइम हृदय और मन से नहीं पुकार रहा होता माँ को. However, the moment that the child puts his mind and his heart into calling out mama, the mother will know. परंतु जिस क्षण बच्चा हृदय और मन से माँ को पुकारता है तो माँ उसी क्षण वहाँ पर उसके पास आ जाती है. Previously, the child must have just, you know, it was busy doing so many things and out of habit it said, mama. That was not effective. The mother was not convinced, but then when he really meant it, oh, the mother immediately put the pots and the cooking to a side and just ran or runs. तो कई बार तो आदत से बच्चा माँ माँ बुला रहा होता है और माँ भी अपने सारे काम करती रहती है और सुन रही होती है आंटी का बच्चा बोल रहा है परंतु उसके पास ध्यान नहीं देती और जाती नहीं. परंतु जैसे ही माँ देखती है कि बच्चा उत्कंठा के साथ हृदय के साथ माँ को पुकार रहा है तो माँ जो भी कर रही हो कुकिंग कर रही हो कुछ भी कार्य कर रही हो सब कार्य को छोड़कर एकदम से अपने बच्चे के पास भाग पड़ती है. Yesterday I saw something. I was in an electrical rickshaw on my way to Kishigad. तो कल हमने कुछ देखा. मैं इलेक्ट्रिकल रिक्शा में था ई रिक्शा में था और केशी घाट की तरफ जा रहा था. And on the parikrama there was a little traffic jam. Not like in Delhi, but something like a traffic jam. तो परिक्रमा मार्ग में ट्रैफिक जैम था उतना नहीं जितना दिल्ली में होता है परंतु फिर भी कुछ ट्रैफिक जैम था वहाँ पर. So our rickshaw came like this and we could look into the other rickshaw where there was a devotee chanting and simultaneously reading its WhatsApp messages. तो हमारा ई रिक्शा धीरे धीरे आगे चल रहा था और एकदम से वो जो साथ में ई रिक्शा था उसके पास पहुंच गए और मैंने दूसरे ई रिक्शा में देखा तो एक भक्त वहां पर बैठे थे तो हरिनाम का जप कर रहे थे और साथ के साथ अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप में भी बातचीत कर रहे थे. I felt he chanted a little bit like the child who is busy with other things and out of habit says mama and the mother is not responding naturally. मुझे उसको देखकर ऐसे लगा उस भक्त को देखकर ऐसे लगा जैसे वही बच्चा जो है वो आदत से मजबूर होकर माँ माँ बोलता रहता है पर अपने बाकी कार्यों में बिजी रहता है व्यस्त रहता है और माँ भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती फिर. So I passed and I joyfully said to the other rickshaw here, oh, telephone japa. और जब मेरा रिक्शा उस रिक्शा के पास पहुंचा थोड़ा सा आगे हुआ तो मैंने उस रिक्शा की तरफ देखा उस भक्त की तरफ देखा और बोला ओ टेलीफोन जपा ऐसे बोला. And the devotee, oh my God, that's Ashinanda Swami. और उस भक्त ने सोचा देखा ओ ये सचिनानंद स्वामी महाराज हैं तो उसने एकदम से अपना मोबाइल छुपा लिया जैसे मैं दिखा रहे हैं. Then his rickshaw went and we were stuck. तो फिर ये रिक्शा आगे चला गया और हम पीछे रह गए. हमारा ट्रैफिक जाम फंस गया रिक्शा. But after some time we were again on the same. और कुछ समय के बाद मेरा रिक्शा उनके पास फिर से पहुंच गया. And the devotee was still under shock. और वो जो भक्त है अभी भी घबराया हुआ था सदमे में था.
So he said, sorry Maharaj, please bless me to chant better rounds. तो उसने बोला महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा हरिनाम का जप कर सकूं. And I said, well, my response to your request is no more telephone chanting. तो मैंने उसको बोला भक्त को कि आपने जो मुझसे आशीर्वाद मांगा है तो मेरा उसमें उत्तर ये है कि आज से आप कृपया करके टेलीफोन जप मत करिए. That is my blessing. यही मेरा आशीर्वाद है आपको. No more telephone chanting. और कोई टेलीफोन चैंटिंग नहीं. How often do you all in Faridabad do telephone chanting? तो आप भक्त लोग फरीदाबाद के जो हैं आप कितना टेलीफोन जपा करते हैं? That means chanting where you are distracted and not fully attentive to the chanting. तो इसका मतलब हुआ आप ऐसा कितनी बार होता है आपके साथ कि आप जप कर रहे हैं पर पूरी तरह ध्यान नहीं लगा रहे होते, आप कुछ और कार्य भी कर रहे होते हैं? I think 70% or 80% and in some cases 95% of your japa is distracted chanting. तो मेरा अनुभव है कि मैंने भक्तों को देखा है उनका 70% या 80% या कई बार 95% भी जो जप होता है वो तो ध्यान पूर्वक जप नहीं होता, ध्यान इधर भटकता हुआ जप होता है. And therefore it is difficult to make advancement in Krishna consciousness and feel genuine Krishna conscious happiness. और इसीलिए कई बार होता है कि इतना करने के बाद भी हमें लगता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे और हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो रही उतना. So, would it be a good idea to stop telephone chanting? तो क्या ये अच्छा विचार हुआ कि हम टेलीफोन जपा छोड़ दें? Or to stop being distracted? या फिर हम जप के टाइम और कुछ भी कार्य करते हैं वो करना छोड़ दें? क्या विचार है आप लोगों का? Well, it's easy to say Hari Bol, but I will make now a test with you. I will test the devotees now. तो ये हरी बोल बोलना तो बहुत आसान है पर अब मैं थोड़ा आपकी परीक्षा लूंगा इसके बारे में. परीक्षा? Yes. So first step, sit properly. तो पहले सीधा बैठ जाइए. Then make in your mind the firm resolution. I now want to chant totally focused and concentrated. और अब अपने मन में इस बात का विचार कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, संकल्प कीजिए कि अब मैं पूरी तरह से ध्यान पूर्वक देख होकर जप करना चाहता हूँ. I want to hear every single holy name as I sing. मैं जब हरिनाम का भी कीर्तन में भाग लूंगा तो एक एक हरिनाम जो मैं मेरे मुखारविंद से निकलेगा उसको मैं सुनूंगा. And while I sing, I will do my singing as a prayer to Radha and Krishna to please accept me again in their service. और जब हम इस हरिनाम का उच्चारण करेंगे तो एक एक शब्द हमारे हृदय से प्रार्थना के रूप में प्रकट हो कि हम राधा कृष्ण को प्रार्थना करें कि कृपया हमें अपनी सेवा में स्वीकार कीजिएगा. For those who play instruments, we will play very slowly, so watch me. जो लोग भी आप में से मृदंग करता है तरी बढ़ाते हैं बजाते हैं बहुत धीरे, महाराज जैसे कर रहे हैं उनको देखते हुए बहुत धीरे. Our mood in which we now will sing is so nicely expressed in Chaitanya Charitamrita. जिस मूड से अब हम हरिनाम का कीर्तन करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से चैतन्य चरितामृत में बताया गया है. We sing like a prayer. हम एक प्रार्थना के रूप में हरिनाम कीर्तन करेंगे. My dear Lord Krishna. मेरे प्रिय भगवान कृष्ण. My dear Srimati Radharani. ओ मेरी प्रिय श्रीमती राधा रानी. Although I have forgotten you for so many long years. हालांकि बहुत सारे अधिक सालों से मैं आपको भूला बैठा हूँ. I have now arrived in your temple. अब मैं आपके मंदिर में आ गया हूँ. And I am turning to you by my chanting and ask you, please accept me. अब मैं अपना मुंह आपकी तरफ मोड़ रहा हूँ आपके मंदिर में
और आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। Rama Rama
Time together, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Time, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
One more time. Hare Krishna. Gaur Nitai Ki sudden become so cold, like in the Swiss Alps. Is there AC or not yet, Maharaj? No. Can we make it? Is there a fan or some? AC is there. Shall we switch it on, Maharaj? You want it to be switched on? No, I want to switch
that it is switched off. No, not there. Nothing. Why is it so cold all of a sudden? No, I'm not joking. Subjective perception or... No one has... Shall we move it to the sunlight now? Towards... Well, I can dress. So when you become old, you become sensitive. Good. Shall we put the heater there, Raj? What? Shall we put the heater there, Raj? Can we? No, I so much. Hare Krishna. So, my dear devotees, how was that? How was that? So, priya bhakton, kaisa raha? Can you see that there is a difference when you switch off the telephone of the mind? तो क्या आप देख सकते हैं कि जब आप मन का मोबाइल फोन बंद करते हैं तो कुछ अंतर आता है? And when you are totally focused, तो जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं हरिनाम पे तो कुछ अंतर क्या अनुभव होता है आपको? Definitely, isn't it? We can feel. तो निश्चित रूप से होता है. Please, when you sit down and do your japa and also for the kirtans, keep this in mind. तो कृपया करके आप जब भी जप के लिए बैठें या कीर्तन के लिए बैठें तो कृपया इस चीज को सदैव ध्यान में रखें. When you chant, you should know that this is now my private time with Krishna. जब भी आप हरिनाम लेते हैं चाहे जप हो या कीर्तन हो आप ध्यान रखिए कि आपका ये व्यक्तिगत समय है श्री कृष्ण के साथ. I would like today to talk about the three instructions of Chaitanya Mahaprabhu because I feel they will really help your life. तो आज मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की तीन शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जिससे मुझे लगता है कि आप सबको अवश्य ही लाभ होगा. Krishna consciousness becomes very easy if you keep the three instructions in your mind. कृष्ण भक्ति बहुत आसान हो जाती है सरल हो जाती है यदि आप अपने मन में इन तीन चीजों का ध्यान रखें. The first is namaruchi. You should really create the conditions in your life so that it is possible for you to absorb yourself while you chant and develop a taste. तो पहला है नाम रुचि. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी परिस्थितियों को ऐसा करें अपने आसपास की चीजों को ऐसा करें कि जब आप हरिनाम का जप या कीर्तन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से ध्यान लगा सकें. When the mind is distracted while you chant, it is practically impossible to develop a taste. जब हरिनाम करते हुए मन इधर उधर भागता है डिस्ट्रैक्टेड होता है तो फिर हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती. So, nama ruchi. Huh? The second is Vaishnava seva. और दूसरा है नाम रुचि के बाद दूसरा है वैष्णव सेवा. And the third instruction is jivadaya, or to do something for the welfare of others. और तीसरा है जीवदया यानी दूसरों के लाभ के लिए कुछ करना. These are three powerful pillars on which you can establish your spiritual life. ये तीन शक्तिशाली या प्रभावशाली खंभे हैं जिन पे आप अपनी आध्यात्मिक जो भक्ति है उसको आप टिका सकते हैं. या आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन को. It's the three powerful pillars on which you can rest your. I know Hindi, by the way. You have to be very attentive. And my uncle is a teacher, so I will watch you very carefully. So three powerful pillars on which you rest your bhakti.
तो आपकी भक्ति जो है तीन बहुत शक्तिशाली खंभों के ऊपर टिकी है. Every day, or let us think about our japa today, where we absorbed. तो हम हर रोज की या आज की भी बात करें, जब हमने जपा किया सुबह, तो क्या हम उसमें पूरी तरह से डूबे हुए थे? Speaking of myself, I think during 14 rounds, but 2 rounds I chanted in the car. And I was under the shock of Delhi, so they were shock rounds. तो यदि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, तो 14 माला तो ठीक थी, परंतु 2 माला जो मैंने गाड़ी में की, तो मुझे दिल्ली में घुसने का सदमा था और बस वो ऐसे ही हुई 2 माला. So I will not count these rounds, but I will chant them, repeat them in the Radha Pata Sharati Nandiya. तो मैं ये जो दो मंदिर जो दो माला मैंने की गाड़ी में, इनको मैं गिनती नहीं लूं करूंगा और राधा पार्वती मंदिर में जाके इन दो को मैं दोबारा करूंगा. वैष्णव सेवा, हैव यू सर्व्ड डिवोटीज टुडे? वैष्णव सेवा, क्या आज आपने वैष्णवों की सेवा की? व्हाट डिड यू डू फॉर अ डिवोटी? आपने किसी भक्त के लिए आज क्या किया? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज आफ्टर ऑल यू वांट 3 पिलर्स इन योर भक्ति. तो ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि आखिरकार आप भक्ति के तीन खंभे हैं अपने जीवन में लाना चाहते हैं. And then jiva daya, have you done something today for the welfare of others? Distributed a book, for instance, or something. और तीसरा जीव दया, क्या आज के दिन आपको सोचना है कि आज के दिन आपने दूसरों के लाभ के लिए कुछ भी कार्य किया, उदाहरण के लिए उसको कोई ग्रंथ दिया? These three pillars of bhakti encourage us to check every day our performance of bhakti. तो जो भक्ति के तीन खंभे हैं, ये हर रोज हम इसके द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे भक्ति कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं. And very, very, very important in this is the Vaishnava seva. और बहुत 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 महत्वपूर्ण है इसमें वैष्णव सेवा. My dear devotees, there was once in South India a great devotee called कंची पूनम. तो एक बार दक्षिण भारत में एक महान भक्त थे, कंची पूनम नाम था उनका. Although he had come from a Shudra caste, he was so exalted that he was allowed to come just before the altar and pull a fan which was installed in the ceiling. तो हालांकि वो शूद्र परिवार से थे, पर इतने अच्छे भक्त थे कि उनको विशेष अनुमति दी गई थी कि वो मंदिर के अंदर आ सकते थे, और श्री भगवान के सामने जो ऊपर पंखा लगा था छत के ऊपर, उसको वो खींच सकते थे, एक रस्सी के माध्यम से उस पंखे को खींच सकते थे. Many hours a day. और दिन में कई घंटे वो ये सेवा करते थे. And during this time, he used to speak to the deity. और ये सेवा करते करते वो भगवान से बात भी करते थे. The Bhagavan was called Varadaraj, the king of giving blessings. तो वरदराज भगवान का नाम है, जो कि आशीर्वाद देने के राजा हैं. And Bhagavan would talk to Kanchi Poonam, give answers to his questions. और भगवान भी इन भक्त से बातचीत करते थे, उसके प्रश्नों के उत्तर देते थे. Can you please fan a little bit more strongly? Varadaraj would say, for instance, it is a little extra hot today. तो वरदराज भगवान बोलते थे कि आज तुम थोड़ा पंखा तेज कर सकते हो, आज कुछ ज्यादा गर्मी है. And Kanchi Poonam was then fanning very strongly and said, is it ठीक है, is this good? और कांची पूर्ण बहुत तेज से फिर पंखा करते थे भगवान को और पूछते थे, भगवान ठीक है, आज ठीक है, अभी ठीक चल ठीक लग रहा है आपको? No, said Varadaraj, now it's too strong. Little bit in the middle. तो भगवान कहते थे, नहीं अभी बहुत तेज हो गया, थोड़ा थोड़ा धीमा कर दो, बीच में, पहले बहुत धीरे था, अभी बहुत तेज हो गया, बीच में करो. So in this way, the Lord would talk every day to his loving servant. तो इस तरह भगवान हर रोज अपने प्रेमी सेवक से बातचीत किया करते थे. One day a very old man came.
एक दिन एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति आया वहां पर. He was old Vaishnava. और वो एक वो वृद्ध था और वैष्णव था, पुराना वैष्णव था. He looked very similar like our Vaishnava here. तो हमारे यहाँ पे जो प्रभु जी बैठे हैं बिल्कुल उनकी तरह लग रहा था. ओमकार तत्व नेम ओमकार तत्व प्रभु ओमकार तत्व ओम तत्व प्रभु but little older than Om Tattva. पर ओम का तत्व उसे थोड़ा ज़रा वृद्ध था वो. And he said to Kanshi Poonam, my dear Kanshi Poonam, I know you can ask the Lord anything you want. Could you please, please ask him if, when I finish my life, if I go back home, back to Godhead. तो उस वृद्ध वैष्णव ने कांशीपुरम को बोला कि तुम तो भगवान की इतनी सेवा करते हो, उनसे बात भी करते हो, तो मेरा आपको निवेदन है, कृपया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए. भगवान से पूछिए कि जब मेरा जीवन अभी समाप्त होगा तो क्या मैं उनके पास वापस जा पाऊंगा. So कांशीपुरम next day when he was fanning asked this question, this devotee wants to know if he goes back, what is your answer, my dear Lord. तो कांशीपुर जब नेक्स्ट जब अगले दिन सेवा कर रहे थे, भगवान की पंखा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये जो वैष्णव है ये इनका ये प्रश्न है, पूछना चाहते हैं कि जीवन समाप्ति के बाद आपके पास जाएंगे तो क्या उत्तर है आपका भगवान इनके लिए. तो भगवान वरदराज ने बोला बिल्कुल पक्का निश्चित है जैसे ही उनका जीवन समाप्त होगा बिल्कुल सीधा आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर जाएंगे. So Kanshi Poonam went to this devotee and told him the answer to his question. तो कांशी पूर्ण ने जाकर इस भक्त को बताया कि ये भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है. Devotee was, I think you can understand, he was so happy. तो आप सब समझ सकते हैं कि वो भक्त कितना खुश हुआ. So the next day after this incident, तो ये इस घटना के बाद अगले दिन Kanshi Poonam was again fanning. तो कांशीपुर फिर से एक बार पंखा कर रहे थे भगवान को. And Varadaraj said, "Today you are so silent." तो भगवान वरदराज ने पूछा कि आज तुम बहुत शांत हो. On ordinary days you always ask questions or tell me things, but today you do not open your lips. What is going on in your mind? साधारणता तो तुम मुझसे कुछ न कुछ प्रश्न करते हो या कुछ न कुछ बातचीत करते हो, आज तो तुम मुंह ही नहीं खोल रहे, क्या हो गया आज. कांशीपुरम looked down and said, nothing. कांशीपुरम ने मुंह नीचे किया और बोला कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं. Said, are we not close? You can tell me what is in your mind. तो वरदराज ने कहा कि क्या हम दोनों में आपस में हम आपस में संबंध नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ. I can feel that you have a question. मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न है अभी मेरे से पूछने के लिए. Finally, Kanshi Poonam said, what is with me when my day comes? Will I go back or do I also have to stay? तो आखिरकार कांशीपुर ने भगवान से पूछा कि भगवान कृपया करके मुझे बताइए मेरे बारे में क्या होगा, जब मेरा जीवन समाप्त होगा तो क्या मैं आपके पास धाम में आ जाऊंगा या यही रहना पड़ेगा मुझे. वरदराज very strongly said, no, you will not go back to Godhead. वरदराज ने बहुत पक्के तरीके से बोला कि नहीं तुम वहां नहीं जा पाओगे, तुम्हें यही रहना पड़ेगा. Because you are only serving me, but you don't serve devotees. क्योंकि तुम केवल मेरी सेवा करते हो, तुम भक्तों की सेवा नहीं करते. Whenever you go to any devotee and you want to do some service, the devotee says, "No. I cannot accept service from you. You are so advanced, and I am not." तो जब भी तुम किसी भक्त के पास जाते हो और सेवा करना चाहते हो, वो भक्त बोलता है नहीं, मैं तुमसे सेवा नहीं लूंगा, तुम तो बहुत उन्नत हो, मैं तुमसे सेवा नहीं ले सकता. Only someone who serves my devotees can go back to me, not someone who is not serving.
परंतु जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वही मेरे पास आ सकता है, ना कि वो जो मेरे भक्तों की सेवा नहीं करता. द नेक्स्ट डे कांची पूर्णम वॉज मिसिंग. अगले दिन कांची पूर्ण भगवान की सेवा में नहीं आया. The priests in the temple were asking, "Where's Kanchi Purnam? It's his fanning seva." तो पुजारी लोग परेशान थे. वो कांची पूर्ण कहाँ गया? वो भगवान को पंखा करना था, वो कहाँ गया? They looked in the whole town. They looked for him. तो पूरा शहर छान मारा उसके लिए. But there was no sign of Kanchi Purnam. And no one even knew anything, where he had gone, or if he was well, or anything. No news about Kanchi Purnam. तो पूरा शहर ढूंढ लिया, पर कांची पूर्ण के बारे में कोई खबर नहीं मिली, कोई संकेत नहीं मिला. किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में. Would you like to know what happened with him? तो आप सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ उसको? In the night, तो रात्रि के समय, he had left the town. वो शहर छोड़ के चला गया. And he had walked for 6 months. और वो 6 महीने तक चलता रहा. Finally, he arrived in Sri Rangam. और आखिरकार श्री रंगम पहुंच गया. And there, he found some white cloth on the side of the road. And he had dressed in white. और उसको सड़क के किनारे कुछ सफेद कपड़ा मिला और उसने अपने ऊपर लपेट लिया. And he had approached a Vaishnava. और उसने एक वैष्णव को के पास गया. And he said, "You look little old, but you have many cows. I'm an expert cowherd man." तो ये इस वैष्णव के पास जाकर बोला कि तुम थोड़े वृद्ध लगते हो, परंतु तुम्हारे पास बहुत सारी गायें हैं और मैं गाय पालन में बहुत मैं अच्छा गौ सेवक हूँ. I want to serve you and take care of your cows. मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपकी जो गायें हैं उनको उनकी देखभाल करना चाहता हूँ. And all I wish is a place to stay and a little cow milk. Finished. और मुझे बदले में बस कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह मिल जाए रहने के लिए और थोड़ा सा गाय का दूध मिल जाए पीने के लिए बस. The old devotee, his name was Mahapurnam, he was very happy because yes, his knees were not good, he couldn't go after the cows during the day. तो जो वृद्ध वैष्णव बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो वृद्ध था, उसके घुटने काम नहीं करते थे, वो गाय के पीछे पीछे जा नहीं सकता था. For 4 months, Kanchi Purnam, who had disguised himself, was taking care of the cows. तो 4 महीने तक कांची पूर्ण जो कि अभी छुपा हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ था, उसने साधारण व्यक्ति की तरह 4 महीने तक इस तरह गाय सेवा करता रहा. Then one day there was monsoon. Rain, heavy rain. तो एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई. Heavy. बहुत तेज बारिश हुई. So in the afternoon, Kanchi Purnam brought the cows to the house. You know, there was just next to the house the goshala, and he was freezing. और शाम के समय कांची पूर्ण उन गाय को लेकर आया और गौशाला के पास छोटी सी कुटिया थी, वहां पर रह रहा था और बिल्कुल ठिठुर रहा था ठंड के मारे. Because his white grihastha cloth had become very wet and was very cold on the body. क्योंकि उसने जो सफेद चादर या कपड़ा अपने ऊपर किया हुआ था वो बहुत गीला हो गया था और पतला भी था, तो बहुत ठंड लग रही थी उसको. You know, dhoti, kurta, everything was absolutely wet. तो जो भी उसने धोती कुर्ता सब कुछ पहना था, बिल्कुल भीग चुका था वो. So Kanchi Purnam put the white cloth for drying. तो कांचीपुर ने जो सफेद वस्त्र है उतार दिया और सूखने के लिए डाल दिया. And dressed in his saffron dress. और जो उसका गेहुआ वस्त्र था उसमें फिर वो पहन लिया उसने. And then he was chanting. And sometimes he said, "Oh Vararaj, my heart is missing you." और फिर वहां पर बैठ के जप करने लगा
जप करने लगा और प्रार्थना करने लगा, ओ वरदराज मेरा हृदय, मैं आपसे विरह की अनुभूति कर रहा हूँ. So meanwhile, Mahapuna, the owner of the cows, na, he said, let me look after the cowherd man. Maybe he is also wet, you know, after this heavy rainstorm. इसी बीच जो महापुण है जिनकी ये सारी गायें थीं, उसने जो वृद्ध वैष्णव था उसने सोचा कि मैं भी जाकर देखता हूँ उस ग्वाले का क्या हुआ, इतनी बारिश हुई है शायद भीग गया हो, देखता हूँ क्या हुआ उसके साथ. And he slowly walked to the little window where he could look into the room of his cowherd man. और वहाँ पे वो जो गौ सेवक था कांचीपुरम, उसने जिस कुटिया में रह रहा था उसका थोड़ा सा दरवाजा खोला और वहाँ से देखा झांका अंदर की क्या हो रहा है. There he saw it was not his this grihastha who had come to serve him, but an exalted sannyasi chanting japa and calling out, "Oh Bharadaraj, Pahimam, Oh Bharadaraj, Bharadaraj, Rakshamam." और उसने देखा अंदर झांक कर तो क्या देखा, अरे वो ग्वाला तो वैसा नहीं था कि उसने सफेद गृहस्थ का वस्त्र डाला हो, वो तो साइड पर रखा था, वो तो एक बहुत ही गेहूं वस्त्र में वो सन्यासी था, बहुत वरिष्ठ सन्यासी था और वो गंभीरता से जप कर रहा था और पुकार रहा था भगवान को, ओ वरदराज रक्षा माम, ओ वरदराज मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, इस तरह प्रार्थना कर रहा था. My servant is a sannyasi. And I heard some news that the famous Kanchipuram is missing. Could it be that he is Kanchipuram? तो महापुरुष ने सोचा, अरे भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत वरिष्ठ सन्यासी है जिसको मैं अपने सेवा में लगाया हुआ था और मैंने ये भी सुना हुआ था समाचार कि वहां से कांचीपुरम है वो गायब है, अरे ये वही तो नहीं है कहीं. So he went and said, "Are you Kanchipuram?" और गया और उससे पूछा कि क्या आप ही कांचीपुरम हैं? Kanchipuram said, "Why?" तो उसने पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? "Why do you want to know?" क्यों पूछना चाहते हो आप, क्यों जानना चाहते हो? Kanchipuram said, "Oh no, you are Kanchipuram and you are serving me. I should be serving you. If rain is coming. I should be serving you." तो महापुण ने बोला कि अरे तुम कांचीपुरम ही हो, मुझे आपकी, तुम मेरी सेवा कर रहे हो बल्कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए. Oh no, very big problem. अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई. अरे I cannot accept your service any longer. Forgive me, I did not know. मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता. Kanchipuram became very sad. Oh, now I have to stop serving a Vaishnava. तो कांचीपुरम बहुत दुखी हुए कि अरे अब मेरे से वैष्णव सेवा छिन जाएगी, वैष्णव सेवा बंद हो जाएगी मेरी. Now my only chance to go back to Godhead is gone. तो अब मेरी जो एकमात्र अवसर था मेरे पास भगवत धाम जाने का वो भी समाप्त हो गया. I have left Vararaj in the hope that I would stay unrecognized. मैंने वरदराज को इसीलिए छोड़ा था कि मैं किसी असिस्टेंट पे जाकर सेवा करूंगा जहां मैं बिल्कुल कोई मेरे को पहचानता नहीं है. But I was recognized now and forbidden to continue my service. परंतु मैं यहां पर भी पहचाना गया और मेरी सेवा मैं आगे नहीं कर पा रहा. So he went back 6 months walking on foot. And he came into the temple of Vararaj crying. और फिर 6 महीने पैदल चलने के बाद वापस मंदिर पहुंचा वरदराज के सामने और रोता रो रहा था, क्रंदन कर रहा था. At that moment the deity raised his hand. और उसी समय भगवान ने अपना हाथ उठा लिया. Come Kanchipuram, I'm missing your fanning seva. आओ आओ कांचीपुरम, मैं तुम्हारा जो तुम मुझे पंखे की सेवा करते थे वो मैं मिस कर रहा हूँ. Oh, said Kanchipuram, my lord, my life is finished. कांचीपुरम ने कहा कि भगवान मेरा जीवन तो समाप्त हो गया. Why? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? I was forbidden to serve a Vaishnava. मैं वैष्णव सेवा से वंचित हो गया हूँ.
I said, no. You served for 4 months. तो वरदराज जी बोले नहीं 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 बिल्कुल नहीं तुम तो 4 महीने वैष्णव सेवा करके आए हो एंड यू वांट टू सर्व और तुम वैष्णव सेवा करना चाहते हो यू हैव अंडरस्टूड माय लेसन तुम मेरी शिक्षा को समझ गए हो आई हैव माय न्यूज फॉर यू इज डेफिनेटली आफ्टर दिस लाइफ वी विल मीट इन वाइकुंठ और तुम्हारे लिए समाचार ये है कि तुम्हारे इस जीवन के उपरांत अवश्य हम लोग वैकुंठ में मिलेंगे अवश्य 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 ऐसा होगा अवश्य हरिवो सो माय डियर डिवोटीज दिस इज द सेकंड पॉइंट वैष्णव सेवा तो प्रिय भक्तों ये दूसरा पॉइंट है विचार करने के लिए समझने के लिए वैष्णव सेवा हाउ कैन वी प्रैक्टिकली अप्लाई दिस पॉइंट इन आवर राधा गोविंदा मंदिर इन फरीदाबाद फरीदाबाद में अपने राधा गोविंद मंदिर में हम व्यावहारिक रूप से कैसे इस वैष्णव सेवा को कर सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर सेज दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्विसेज यू कैन डू फॉर वैष्णव इज टू बी अटेंटिव टू हिम श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि किसी वैष्णव की एक बहुत उत्तम सेवा आप कर सकते हैं पूरी तरह से ध्यान देकर उनकी तरफ What does he need? क्या चाहिए एक वैष्णव को We have Om, Om Tattva, Om, what? Omkar Tattva. We have Omkar Prabhu. What does he need? हमारे ओमकार तत्व प्रभु हैं उनको वास्तव में चाहिए ही क्या Is his dhoti okay still? Is his dhoti okay? उनकी धोती ठीक है अभी तो यू फर्स्ट हैव टू बिकम अ लिटिल बिट अटेंटिव टू अ डिवोटी तो आपको सबसे पहले एक भक्त के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा यू हैव टू बिकम माइंडफुल एंड आस्क योरसेल्फ हाउ इज लाइफ फॉर देम हाउ आर दे डूइंग तो हमें एक भक्त के लिए सोचना होगा कि कैसा है भक्त उसको उसको क्या चाहिए वास्तव में कैसा जीवन चल रहा है उसका एंड देन यू हैव टू सी हाउ यू कैन गिव देम व्हाट दे नीड और फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस भक्त को जो चाहिए वो आप कैसे उसको दे सकें वी हियर व्हेन चैतन्य महाप्रभु रिटर्न्ड फ्रॉम गाया ही वुड हेल्प डिवोटीज फॉर इंस्टेंस वॉश देयर क्लोथ इन द गंगा तो हम सुनते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे तो रास्ते में कपड़े धो रहा था कोई धोबी घाट पर एट अदर टाइम्स फॉर अनदर डिवोटी ही कैरी गंगा मैट व्हिच वाज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स इट वाज लाइक द सोप व्हिच वाज यूज्ड इन दोस टाइम्स क्षमा कीजिए जब महाप्रभु जब कोई कपड़े धो रहा था तो उसकी जगह महाप्रभु ने कपड़े धोए और दूसरी जगह पे कोई व्यक्ति जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहा था तो महाप्रभु ने वो किया और he would just help devotees carry things to their home ya fir mahaprabhu unke bhakton ki sahayata karte the apne saman unke saman ko unke ghar pahunchane ke liye whatever it is you need to first become attentive to what are the needs of a devotee jo bhi ho aapko sabse pehle ye janna avashyak hai ki ek bhakt ki vastav mein avashyakta kya hai my dear devotees You have to build this temple in second time. तो प्रिय भक्तों इस मंदिर को आपको एक दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण करना है. You have built the bricks. आपने ईंटें तो इकट्ठी कर दी हैं. You have brought the marble. आप मार्बल भी लेकर आ गए हैं. You have the most beautiful ceiling in ISKCON. आपको ISKCON की जो सबसे beautiful ceiling है वो यहाँ पर है. पूरे इस्कॉन में सबसे ब्यूटीफुल सीलिंग है यहाँ पर यस द सेकंड बिल्डिंग इज द बिल्डिंग ऑफ वैष्णव रिलेशनशिप्स और जो दूसरी इमारत आपको खड़ी करनी है वो है वैष्णव संबंधों की इमारत माय गेस इज You are doing very already very good in it because otherwise
you would not have been able to make such a beautiful temple in such a short time. मेरा विचार है कि आप लोग उस पे भी अच्छा कर रहे होंगे वरना इतने कम समय में आप इतना सुंदर मंदिर नहीं बना पाते. But I'm just saying to raise your attention to how important it is. So important that the Lord gave this instruction through His dear devotee Kanchi Poonam. परंतु फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस बात के लिए कि कितना आवश्यक है एक भक्त के प्रति सावधान रहना. इतना आवश्यक कि भगवान ने अपने प्रिय भक्त कांची पूर्ण के माध्यम से शिक्षा हम सबको दी. The Lord says in the Adipurana, someone who says he's directly my devotee is not only the person who considers himself the devotee or servant of the devotee. He is a devotee. Adipurana में कहा गया है कि भगवान बोलते हैं कि जो अपने आप को मेरा भक्त बोलता है वो मेरा भक्त नहीं है. जो मेरे भक्त का भक्त है वास्तव में वही मेरा भक्त है. So what was the first pillar? तो पहला खंबा क्या था? नाम रुचि. Second वैष्णव सेवा. One pillar is remaining. तीसरा खंबा अभी बचा है. जीवदया. What could that be in our temple in Faridabad? तो हमारे फरीदाबाद. How could we do that in Faridabad? तो हमारे फरीदाबाद मंदिर में हम कैसे जीवदया प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रश्न है हमारे लिए. Now is Christmas marathon. तो अभी क्रिसमस मैराथन. We call it like this also. Christmas marathon. गीता मैराथन. गीता जयंती. ये better. गीता जयंती मैराथन is now. So we can see how we can be useful to help that this transcendental knowledge, which will help people to understand about the true path in life, how to get this to the people. तो हम देख सकते हैं इस गीता जयंती मैराथन में कि हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं ये जो आध्यात्मिक संदेश या ज्ञान है ये जन समूह तक पहुंचाकर ताकि उनको भी इसका लाभ हो. Also, you know, when you go over the street, you can have some prasad with you, for instance, give prasad to people. और साथ में जब भी आप बाहर जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रसाद हो सकता है और लोग आपको मिले उनको प्रसाद दीजिए. Or I think just being kind to people. और साथ के साथ लोगों के साथ बस अच्छा बर्ताव करिए, उनके साथ अच्छा रहिए. Just encourage them. बस उनका उत्साह बढ़ाइए. I will end with a wonderful Prabhupada story. मैं विराम दूंगा एक बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद की कथा सुनाकर. श्रील प्रभुपाद was going with his leaders, the GVC men, on a morning walk in Shidam Mayapur. तो श्रील प्रभुपाद शिधाम मायापुर में लीडर्स यानी GVC वर्ग के जो सदस्य हैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. And first the various leaders tried to please Prabhupada with the results of the preaching. तो पहले जो भी ये लीडर्स थे इन सब ने प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जो भी बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे थे उसके उनको परिणाम सुनाकर. Oh, one said, we just published this book in our country. तो एक भक्त ने बताया कि प्रभुपाद जी हमने आपका ये वाला ग्रंथ अपने देश में छपवा दिया है. And another leader said, we opened a second temple. और दूसरे ने बताया कि प्रभुपाद हमने अपने देश में दूसरा मंदिर खोल दिया है. So these were all very good news. तो ये सब बहुत अच्छी खबरें थी. But slowly the conversation turned to the difficulties the leaders were experiencing. परंतु थोड़े समय के बाद ही बातचीत करते करते जो लीडर्स कठिनाइयों की अनुभव कर रहे थे उसके ऊपर बातचीत चल पड़ी. And mostly these were difficulties with other devotees. और मुख्यतः ये कठिनाइयां थी इन इन भक्तों की जो अनुभव कर रहे थे दूसरे भक्तों के साथ. One leader said, this one devotee is really so absolutely uncooperative. तो एक लीडर ने बोला कि जो एक भक्त है हमारे यहाँ बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करता, सहयोग नहीं करता.
And then another leader said, oh, we have this problematic Mataji. Her child always screams in the lecture. तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ एक माता जी है, इनका बच्चा हमेशा जब भी लेक्चर हो जोर जोर की चिल्लाता है, रोता है. Cannot concentrate. तो कोई ध्यान ही नहीं लगा पाता लेक्चर के ऊपर. And one news after the other came like this. तो इस तरह एक से एक मुश्किलों की खबरें आ रही थी अब. All of a sudden, Prabhupada stopped the morning walk. एकदम से प्रभुपाद ने चलते चलते चलना बंद कर दिया, रुक गए. Put his cane on the ground. और अपनी छड़ी एकदम से जमीन पर गाड़ी. Turned around. पीछे देखा. And said, all of you have come to complain. प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब यहाँ पर केवल शिकायत करने आए हैं. Only I have come to encourage. केवल मैं यहाँ पर उत्साह बढ़ाने आया हूँ. This was like a bomb. तो एक बम का विस्फोट हो गया जिस तरह से. Then Prabhupada looked again on his leaders. और प्रभुपाद जी ने एक बार फिर से अपने लीडर्स की तरफ देखा. You all only complain. और बोला कि आप सब केवल शिकायत करते हैं. Only I have come to encourage. केवल मैं यहाँ पर सबको प्रोत्साहित करने आया हूँ. How do we say encourage in Hindi language? प्रोत्साहित, प्रोत्साहित. Prosahit? Utsah, so Prosaha. Prosaha, yes, Prosaha. Yes, to encourage, no? I think, my dear devotees, this is a very profound truth. If you can, we spoke about Vaishnav Seva, if you can Prosaha, this is, make the other devotee more enthusiastic, encourage him. You give the greatest service because now everything is easy. तो ये सबसे बड़ी सेवा है वैष्णव सेवा, कि आप दूसरे भक्तों का उत्साह बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब सब इतना आसान हो गया है. Look at our Gopeshwara. He has no time to even put shoes on his feet. He is so enthusiastic. तो हमारे गोपीश्वर को देखिए कि वो इतने उत्साहित हैं कि उनके पास जूते पहनने का भी समय नहीं है. I have studied in Govardhan Parikrama. He was without shoes. तो मैंने गोवर्धन परिक्रमा में देखा कि वो बिना जूतों के थे. I thought that this is natural. तो मुझे लगा ये तो स्वाभाविक है. But then I saw him on the streets of Faridabad in doing the Ratha Yatra without shoes. परंतु फिर फरीदाबाद में जब रथ यात्रा हो रही थी तब देखा तब भी बिना जूतों के थे. I wanted to say, do you need chappals? Are you very poor? मुझे लगा कि आप बहुत गरीब हो, चप्पल चाहिए क्या आपको? But then I understood, no, he's very enthusiastic. तो फिर मुझे लगा नहीं ये तो बहुत उत्साहित है. And today when I came, I specifically made it a point to look at his feet if he would have shoes this time or no shoes, and he had no shoes. Yeah, I'm. We are from Germany. We study everything very carefully. I think they understood. तो इस बार मैं जब आज आया, तो मैंने ध्यान से, क्योंकि मैं जर्मनी से हूँ, तो हम हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं. तो मैंने विशेष रूप से उसके पैरों की ओर देखा कि आज जूते पहने हैं नहीं पहने. तो आज भी नहीं पहने थे. And German quality, you know. And he is happy even without shoes because he does seva. तो ये है कि वो बिना जूतों के भी खुश है क्योंकि क्योंकि सेवा है, सेवा से है. He feels enthusiastic. तो क्योंकि उत्साह आता है. So my point is, if we can help other people and by encouraging them or making them enthusiastic in Krishna consciousness, we do them the greatest service because they will be happy without being dependent on material things. तो पॉइंट ये है कि अगर हम दूसरे भक्तों को उत्साहित कर सकें उनकी सेवाओं में, तो हमने सबसे बड़ी सेवा कर दी, क्योंकि इससे वो भौतिक चीजों से, आकर्षणों से बच जाएंगे. If you are encouraged in your spiritual life, you are above the clouds of illusion or maya. अगर आप उत्साहित फील करते हैं, उत्साहित अनुभव करते हैं अपनी सेवा में, तो आप माया से ऊपर, माया के बादलों से ऊपर निकल जाते हैं. But if you have doubts, many questions, you are often distressed in your life. परंतु यदि आपको
डाउट्स होते हैं, शंकाएं, यदि आपको शंकाएं होती हैं तो फिर आप उत्साहित नहीं हो पाते हो। So it is a great service to help people become enthusiastic, especially devotees. तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि भक्तों को उत्साहित रखना, विशेषता सेवा में। But also ordinary people. परंतु न केवल भक्तों को, साधारण लोगों को भी उत्साहित रखना। I will finish with the story of Srila Prabhupada, how he encouraged even ordinary people. तो मैं एक घटना बताऊंगा किस तरह प्रभुपाद जी साधारण जनसमूह को भी उत्साहित करते थे। It was in America. He would go every morning for morning walk, as you know, and there were before one park. There was always the same car. Shishi Radha Govinda ki. The same car with the same depressed man at 7 o'clock in the morning. You said Maharaj Prabhupada would go every day in America. On a morning walk in this one park where he would take his morning walk, he always saw at 7 o'clock in the same car, the same depressed man. तो प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे एक पार्क में और देखते थे हर रोज सुबह 7 बजे प्रभुपाद जी जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए और वहाँ पर वही लोग हर रोज कुंठित भावना में या डिप्रेशन में या तनाव की स्थिति में हर रोज वही लोग मिलते थे प्रभुपाद जी को सुबह। वन मॉर्निंग प्रभुपाद हैड जस्ट फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक, ही डिड नॉट गो टू हिज ओन कार। और एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद जब प्रभुपाद अपना मॉर्निंग वॉक समाप्त कर लिया, प्रभुपाद जी अपनी कार की तरफ नहीं गए। He walked to the car of the depressed man. तो प्रभुपाद जी जो दूसरा व्यक्ति था जो डिप्रेशन डिप्रेस हर रोज डिप्रेस दिखता था उसकी कार की तरफ चले गए। And he gestured, he wanted to speak to him. और प्रभुपाद जी ने उसको इशारा किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। So the man put down the window. और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा था और उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। Prabhupada just smiled at him and said, Good morning, sir. और प्रभुपाद बस मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा और बोला, Good morning, sir. बस, then he went to his own car. और फिर प्रभुपाद बस ये बोल के अपनी कार में चले गए। The next morning, और अगले दिन, when he came to the park, जब प्रभुपाद जी उस पार्क में आए, the parking place where the depressed man had always parked his car was empty. वो जो स्थान जहाँ पे उस डिप्रेशन का जो डिप्रेस्ड व्यक्ति था उसकी गाड़ी हर रोज खड़ी होती थी वो खाली थी, वो उसकी गाड़ी नहीं थी वहाँ पर। See, when Prabhupada had said to the man the day before, Good morning, sir. जब एक दिन पहले प्रभुपाद जी ने उसको गुड मॉर्निंग सर बोला था, the man's face lit up. उस व्यक्ति का मुंह एकदम से खिल गया। Yes, good morning, he said back. Haan, good morning. Yes. He had come out of his depression because someone cared to encourage him. तो व्यक्ति अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल आया क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसका उत्साह बढ़ाया। So we need to encourage our devotees. तो हमें अपने भक्तों को encourage करना, उत्साहित करना आरंभ करना है। So it can be very simple. You can say, "Oh, I just came from Vrindavan, Prabhu. I have something for you from Vrindavan, a mask." तो बहुत सरल हो सकता है कि मैं वृंदावन नाम से आया हूँ, मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, चाहे वो मास्क ही क्यों ना हो। Very good, Vrindavan mask. वृंदावन मास्क. For you. आप केवल आपके लिए. It can be that simple. इतना सरल हो सकता है. Because you couldn't find anything else in your bag. क्योंकि आपके बैग में कुछ और मिला नहीं है आपको. The point is about encouragement. तो point विचार देने वाली बात है. Caring for someone. दूसरों का ध्यान रखना. Trying to lift their consciousness. उनकी चेतना को बढ़ाना. Devotees. भक्तों की भी. Then it's called what? वैष्णव सेवा. Vaishnav seva and new people, then it is called Jeev Daya. You know everything. Aur naye logon ki banaye to Jeev Daya. So we will leave this class with a checklist.
तो आप सब इस क्लास में सब जाएंगे तो एक चेकलिस्ट लेकर जाएंगे. You will check every day. How is my naam ruchi? और आप हर रोज चेक करेंगे मेरी नाम रुचि कैसी है. I have to improve a little. क्योंकि मुझे उसे बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सुधारना है. Next checkpoint, have I done वैष्णव सेवा? वैष्णव सेवा? Oh no, I have not done anything. I have only cooked some chapatis for myself. I better do वैष्णव सेवा. दूसरा पॉइंट आपको हर रोज देखना है कि आज मैंने कुछ वैष्णव सेवा की नहीं, आज तो मैंने सिर्फ अपने लिए चपाती बनाई. नहीं, मुझे जाके दूसरों के लिए वैष्णव सेवा करनी है. एंड लास्ट चेकिंग पॉइंट, जीवदया, हैव आई डन समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर. और तीसरा चेक पॉइंट कि आज क्या मैंने दूसरों के लाभ के लिए कुछ किया. आई स्टिल नीड टू डू वैष्णव सेवा. नाम आई हैव डन ऑलमोस्ट, इट्स नॉट 100% परफेक्ट, लिटिल नीड्स टू बी डन. But Vaishnav Seva, I thought of giving Gopeshwara new shoes. तो मैंने नाम तो आज कर लिया है थोड़ा बहुत, पर वैष्णव सेवा तो मैंने सोचा आज गोपेश को कुछ नए जूते दे देता हूँ. Maybe little donation for shoes. कुछ उसको दान देता हूँ जूते खरीदने के लिए. वैष्णव सेवा, ये वैष्णव सेवा है. And Jiva Daya, our day started bad when we drove on the car from Vrindavan. We hit a dog. This was the opposite of Jiva Daya. तो हमारा दिन थोड़ा दुर्घटना से आरंभ हुआ जब हम वृंदावन से गाड़ी से निकले यहाँ के लिए, तो रास्ते में कुत्ते को लग गई गाड़ी, तो जीव जाय का उल्टा हो गया. He is all right. He was not, no bleeding, no hurt, but that was not good. तो वैसे वो ठीक है, उसको कोई खून वगैरह नहीं निकला, परंतु फिर भी अच्छा तो नहीं था ये. Maybe I get some prasadam when I go to the Radha Patasharan. No, I beg prasadam here, and then maybe on the street, when we stop at with the car and there's a beggar, I give a box of prasadam. Maybe, yeah, that's a good plan. तो एक जीव जाय का अच्छा विचार है कि अभी जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ यहाँ से प्रसाद देकर जाएंगे, और रास्ते में कहीं भी गाड़ी रुकेगी, कोई भिखारी होगा, उसको प्रसाद दे देंगे. Every day, check. And then your life is very good. तो हर रोज आप लोग अपनी चेकलिस्ट में चेक करिए और फिर आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा. Can you remember this? क्या आप ये याद रख सकते हैं तीन चीजें? Easy. सरल है. Easy. How are you doing today on the three points? Yeah, but how are you doing? Is it going well? आपके तीनों पॉइंट कैसे चल रहे हैं आज के? Yeah. Not good round. So there, we have to improve on that point. Yes. This is what it means. Don't become lazy in your Krishna conscious advancement. तो अपनी कृष्ण भक्ति की प्रगति में आलसी मत बनिए. Otherwise you suffer. वरना आप कुंठित रहेंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Finished. हो गया लेक्चर, हो गया. Hare Krishna. So Vaishnava Seva is okay now for me. Now I have to do just
please you give me prasadam later, for box prasadam for people on the street. I'm serious, although it is a little humorous, but the point is very serious. तो हालांकि देखने में हंसी मजाक लग रहा होगा पर ये पॉइंट बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है. आज के मेरे दो पॉइंट हो गए, नाम रुचि, मैंने नाम जप कर लिया, वैष्णव सेवा कर दी, अब कृपया करके मुझे प्रसाद दीजिए ताकि रास्ते में किसी को प्रसाद दूंगा, उसे तीसरा पॉइंट हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण कृष्ण. ठीक है. सो we need to go now. Who will give me a little prasadam box? Yes, ma'am. Yes, please do now. We need to go. Our next station is Greater Kailash Part 3. Yeah. Ajit Govind Progress Center, right? Yeah. Panchashila, no? Panchashila. Murari ke Babu. Okay. Prasad. Good. Naam Govind Goswami. Krishna. I'm sorry, I everyone is so silent. We have to go now, no? His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ji Ki. His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ki. His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ji Ki. Srila Prabhupada Ki. Amrit Gaura Bhakta Vrinda Ki. Nitai Gaura Premanande. तो प्लीज एक मिनट के सब लोग बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, महाराज बैठे हैं, सब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए. तो हम लोग अपने हृदय से महाराज श्री का बहुत 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 अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि महाराज ने यहाँ पर आकर हम सबको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है. तो हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जाएंगे. महाराज वी एक्सट्रीमली 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 ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव योर वंडरफुल एंड मोस्ट ऑस्पिशियस प्रेजेंस एंड योर वी सेड दैट वंस यू कम हियर विल बी ब्लेस्ड बाय वर्ड्स ऑफ विजडम एंड डेफिनेटली दीज आर ट्रांसेंडेंट वर्ड्स ऑफ विजडम. आई एम श्योर बाय योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एंड हियरिंग फ्रॉम यू इट कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर हार्ट्स. सो वी बेग एट योर लोटस फीट दैट वी गेट एम्पावर्ड टू apply these three most valuable and precious instructions that you have given. Name Ruchi, Jive Daya and Vaishnav Seva. Hare Krishna, it must be very practical, not just a philosophical concept. You have to see each day, no? And Maharaj is saying that this should be very vyavaharik. हर रोज हमें देखना है कि हमें तीन चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे. एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव सम वर्क टू डू टुडे स्टिल, नो? और हमारे पास अभी भी तीन चीजों में से हम में से सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा अभी आगे करने के लिए. हाँ जी, सही बात है. इन तीन में से कुछ करने के लिए. यस मैम जी. All right. I'm very sorry. I have to be so impolite, but Yes, Maharaj. Just one more second. So Maharaj, we'll all be ready to report to you next year when you come to India and on you to Vrindavan. So we'll beg right now at your lotus feet that on your way to Vrindavan, please stop over here, and then we'll report to you on the practical applications that we did on these three things. And I will analyze you very carefully. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj.
परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के, तो महाराज जी का बहुत 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 विशेष धन्यवाद करेंगे। हृदय से हरे कृष्ण हम पुकार कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे जोलन सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो एक वैष्णव सेवा का वो हो गया है, पूजा शर्मा माता जी। पूजा शर्मा माता जी हैं, कहां पर है पूजा शर्मा माता जी? उन्होंने आज का प्रसाद भक्तों के लिए स्पॉन्सर किया है, तो वैष्णव सेवा माता जी ने अपना कार्य आज कर दिया। हरि बोल। और महाराज की बहुत ही अद्भुत बुक है द लिविंग नेम, आप में से जो भी लेना चाहें यहाँ पर स्टॉल पे लगी है और साथ में बुक शॉप पे भी है, आप अभी प्लीज ले सकते हैं, महाराज से आप कुछ आशीर्वाद भी ले सकते हैं। लिविंग नेम बुक, नाम जो है वो जीवित हो जाएगा इस बुक को पढ़कर अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। वी फर्स्टली रिकमेंड ये बुक सब लें, लिविंग नेम यहाँ पड़ी है प्रभुपाद जी के पास, इस बुक को ले सकते हैं आप लोग। Thank you.